करने वाला, जिसके बारे में हमने सुना तो है पर कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया भी होगा तो नजरअंदाज भी उतना ही किया होगा। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू किनरमा ट्रस्ट एंड मिस सलमा खान जी, जो कि प्रेसिडेंट है किनरमा ट्रस्ट की, और खुशी जी को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला। और सभी उन किन्नरों को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्योंकि किन्नर एक श्राप नहीं, किन्नर एक वरदान है। हमें क्या, हम तो कहते रह जाएंगे कि हम मॉडर्न हैं। दोस्तों क्या मॉडर्न इंसान कपड़ों से होता है? नहीं दोस्तों, मॉडर्न हमें हमारी सोच बनाती है। और मुझे ये भी मालूम है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखने वाले हो क्योंकि ये कोई डांस या कोई गाने या कोई एंटरटेनमेंट वाला वीडियो तो है नहीं, तो हम क्यों देखें? ये तो एक सोशल मैसेज है और वो भी किन्नरों के ऊपर। किन्नर एक ऐसा वर्ड जो हमें हमारे बचपन में ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये हमारे समाज के नहीं है, ये लोग अलग है। लेकिन किन्नर माँ ने और किन्नरों ने ये भेदभाव कभी नहीं रखा। जब पूरे विश्व में लॉकडाउन था, कोरोना जैसी महामारी बीमारी फैली हुई थी, उस समय किन्नर माँ ने 5000 किन्नरों के घर में खानों की अवेलेबिलिटी किया, जो बेसिक नीड थी वो चीज़ें पहुँचाया, ना कि सिर्फ किन्नरों की, जो आम जनता है उनकी भी मदद किया। और सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। किन्नर माँ ट्रस्ट ने एम्बुलेंस भी प्रोवाइड किया ताकि जो भी कोविड पेशेंट है उनको एक मदद हो सके। और आपको तो मालूम है कि हमारे देश में किन्नरों को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग, उनके लिए जॉब कितने सारे हैं। कहाँ है दोस्तों, कहाँ है उनके लिए जॉब? उनके पास सोर्स ऑफ